दिल्ली जयपुर हाईवे के धारूहिंडा थाना क्षेत्र में जिस तरह से लूट को अंजाम दिया गया, धारूहिंडा पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। निखरी गांव साहबी नदी के पास पड़ता है। अक्सर साहबी नदी के पास लूट की वारदात सामने आती है। रेवाड़ी में दिल्ली जयपुर हाईवे स्थित निखरी गांव के पास एक के बाद एक चार पेट्रोल पंपों पर कार सवार चार बदमाशों ने गन पॉइंट पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाश 1.27 लाख रुपए लूट कर भाग निकले। वारदात रविवार देर रात 10 बजे की है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। फुटेज में बदमाश हाथ में पिस्टल लिए हुए दिख रहे हैं, साथ ही सीधे पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। सेल्समैन की कनपट्टी पर पिस्टल लगाकर लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग जाते हैं। पुलिस के अनुसार रविवार की रात हाईवे पर चार पेट्रोल पंपों को निशाना बनाया है। इस दौरान बदमाश फायरिंग कर शहीद वीरेंद्र पेट्रोल पंप से 40,000, दूसरे पेट्रोल पंप से 27,000 और तीसरे से 10,000 व चौथे पेट्रोल पंप से 50,000 रुपए की लूट की वारदात कर भाग गया। बदमाशों की इस वारदात के बाद रेवाड़ी पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कई थानों के पुलिस अधिकारी दिल्ली जयपुर हाईवे पर बदमाशों की तलाश में धरपकड़ अभियान चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से दिल्ली जयपुर हाईवे पर एक के बाद एक चार पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं पुलिस सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे के धारूहेड़ा थाना क्षेत्र में जिस तरह से लूट को अंजाम दिया गया, धारूहेड़ा पुलिस पर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पुलिस कर क्या रही थी? निखरी गांव साहबी नदी के पास पड़ता है। अक्सर साहबी नदी के पास लूट की वारदात सामने आती है। इनमें पेट्रोल पंप से लेकर राहगीर शामिल होते हैं। पुलिस की ओर से लगातार सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक चार पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई, पुलिस के दावों की हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। पेट्रोल पंप संचालकों में दहशत। जिस तरह से रेवाड़ी के दिल्ली जयपुर हाईवे पर लूट की वारदात सामने आई है, पेट्रोल पंप संचालकों में दहशत का माहौल बना हुआ है। दिल्ली जयपुर हाईवे देश के सबसे व्यस्ततम राष्ट्रीय राजमार्ग में से एक है। ऐसे में दिल्ली जयपुर हाईवे पर सैकड़ों की संख्या में पेट्रोल पंप संचालित हो रहे हैं। ऐसे में लूट की वारदात सामने आई है। पेट्रोल पंप संचालकों में दहशत का माहौल बना हुआ है।